किसी भी उपभोक्ता को अगर ऐसा लगता है कि हमारा बिल गलत आया है तो उसके लिए चार पांच हमने मैकेनिज्म बनाई हुए। बार बार मैं अपने सोशल मीडिया से ये बात कह भी रहा हूं, प्रत्यक्ष जाकर के बिलिंग काउंटर पे अपना सुधार करवा सकता है, ऑनलाइन करवा सकता है सुधार, कंज्यूमर ऐप के जरिए अपनी बिल का शिकायत कर सकता है। अभी माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरी विश्वचक्र से निकलने के लिए मैंने स्वीकार किया कि यह समस्या, मैंने मना नहीं कर रहा हूं, इस पूरे समस्या से निकलने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ट्रस्ट बिलिंग या सेल्फ बिलिंग की भी हमने शुरुआत किया है। इसका मतलब यह है कि हमारे विभाग की वेबसाइट पर जाकर के कोई उपभोक्ता अपना कनेक्शन नंबर, अपनी मीटर की रीडिंग वो स्वयं जो ठीक लगे, स्वयं जो उसने देखा अपनी मीटर की रीडिंग अगर वो डालता है तो उसका बिल जो है 24 घंटे के अंदर उसके मोबाइल फोन पे जो उसने SMS का नंबर दिया है या ईमेल दिया है, अगले महीने से ये व्यवस्था चालू होने जा रही है। और आप ये भी कहेंगे ये और बात सच भी है कि भाई सभी उपभोक्ता ऑनलाइन नहीं जा सकते, सभी उपभोक्ता कंज्यूमर ऐप का जो हमने दिया है उसका उपयोग नहीं करते, ये बात एकदम सही है। उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी हमने एक दूसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने माननीय अध्यक्ष जी के व्यवस्था बना दिया है, मई से इसका शुरुआत भी हुआ है और सभी माननीय सदस्यों के शायद अनुभव में आ भी रहा होगा कि इस तरह की शिकायतें, गलत बिल होने की शिकायतें उत्तरोत्तर घट रही है। मेरा अपना अनुभव है कि उत्तरोत्तर घट रही है। पर कैसी रही है, कुछ गांव में लोग बिल नहीं देते थे तो उनको उनके यहाँ बढ़ रही होगी समस्या, लेकिन जो बिल देते थे, जो हमने व्यवस्था बनाई है कंप्यूटर आधारित माननीय अध्यक्ष जी, उसमें ये बनाया है कि मई से हमने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर आधारित बहुत ही एक सक्षम व्यवस्था हमने किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता का लोड जो है कनेक्शन का वो 1 किलोवाट तक का है और अगर उसका मंथली बिल 10,000 रुपए से ज्यादा जनरेट हुआ है तो उसको कंप्यूटराइज व्यवस्था में ऑटो स्टॉप कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिक ढंग से रोक लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर उसका कुल बाकी जो बिल है वो अगर प्रति किलोवाट प्रति माह 1,00,000 रुपए से ज्यादा अगर आ रहा है तो भी उस पूरी व्यवस्था में, उस कंप्यूटराइज व्यवस्था में उसका जो बिल जो है वो रोक लिया जाएगा। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, इस महीने की मैं बात करूं, अभी एक दिन दो दिन बाकी है, इस महीने हम लोगों ने जो 10,000 से ज्यादा बिल आए हुए 1 किलोवाट के कनेक्शन के बिल थे उनकी कंप्यूटराइज व्यवस्था में हमने ऐसे 1,75,000 बिल रोक के रखे हैं। दूसरी कैटेगरी मैंने जो बताया कि कुल बकाया अगर 1,00,000 रुपए से ज्यादा है, एक अगर प्रति किलोवाट प्रति माह से ज्यादा है, ऐसे हमने लगभग 8,00,000 बिल जो है सेल्फ चेकिंग के लिए हमारी इंटरनल व्यवस्था, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस समस्या का निराकरण सेल्फ बिलिंग से है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस समस्या का निराकरण कंप्यूटराइज चेकिंग जो है और उस पर हमारा पूरा ध्यान है। एक और बात माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा सभी माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए और आपके सहयोग के लिए, जो इस समय हमारी एक मुफ्त समाधान योजना चल रही है उसमें हमने अधिभार पे सरचार्ज पे 100% तक छोटे उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को 100% तक अधिभार पर छूट देने की, हमने मुक्ति करने की हमने घोषणा किया है, वो योजना चल रही है। कल शाम तक का जो फिगर है 14,00,000 लोगों ने उसका लाभ लिया हुआ है। उसमें भी जब कोई व्यक्ति अपना बिल लेकर के हमारे काउंटर पर आता है तो अगर वो अपने बिल से संतुष्ट नहीं है, अगर उसको लगता है कि मेरा बिल अनर्गल आया है, गलत आया है, तो वो बात अपनी बात भी वहां काउंटर पे कह सकता है, उसे भी बिल को सुधारने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि मीटर रीडर गलती करता है, जाता नहीं है, गलत बिल बनाता है, बिना गए जो है टेबल पे बैठ के, ये सारी बातें संज्ञान में है और इसीलिए जो बबूल हमने काटे हैं उसका भी थोड़ा सा हम ब्यौरा दे देते हैं। जहां भी मीटर रीडर की लापरवाही या गलती पाई जाती है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे माननीय अध्यक्ष जी ऐसे 2,508 मीटर रीडरों की हमने सेवाएं समाप्त कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है।